और यहाँ वहाँ पहाड़ पे वहाँ पे जाके उनका सेवा करो। तो सेवा उन्होंने आके यहाँ किया, आज उनका घर में एक से एक ऐसा परिपूर्ण भरा हुआ है। मुझे यहाँ पे आवाहन हुआ, मैं यहाँ खुद अपने आया हूँ इनका आवाहन के कारण। इन्होंने बाईपास पुल से जो है बजरंगबली का जो ये प्रतिमा है बहुत आसानी से दिख जाता है, और मुझे उसी से ज्ञात हुआ था कि यहाँ पर प्रभु का विशाल मूर्ति बना है, प्रतिमा बना है बजरंगबली। क्या हमारे हिंदू धर्म गया में जो भी हैं सब यहाँ। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी हम घूमने आए थे सीताकुंड, क्योंकि गया में घूमने का खास जगह तो विष्णुपद सीताकुंड ही है। तो मैं यहाँ पे घूमने आया था, तो मैं सोचा कि आपसे एक चीज़ शेयर करते चलूँ। सीताकुंड में एक बजरंगबली का प्रतिमा बना है जो कि बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है, तो हम आपसे सोचे कि शेयर कर दें। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, हम ले चलते हैं आपको दिखाने बजरंगबली का वो प्रतिमा जो सीताकुंड में बना है। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी सीताकुंड का वीडियो अपडेट किया है, आप लोग को जानकारी दिया है यहाँ के बारे में, आज भी मैं आपको सीताकुंड के बारे में कुछ बताऊंगा। तो चैनल पे बने रहिएगा, इस वीडियो पे बने रहिएगा, जिसके अनुसार मैं आपको अच्छा से जानकारी दे सकूँ। आप देख सकते हैं यही है सीताकुंड का द्वार। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, ऐसे ऊपर जाने का कई रास्ते हैं, लेकिन अगर आप इधर से चलते हैं तो दर्शन करते हुए आप निकल सकते हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं चरण विष्णु भगवान का, और ये जो आपको देख रहे हैं पिंड, यहाँ बालू का ही पिंड पड़ता है सीताकुंड में और फल्गु नदी में। आपको हम दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों आया हूँ, तो मैं सोचा कि सब कुछ शेयर करते चलूँ आपसे। यहाँ पे भीड़भाड़ का भीड़ ये है सीता वाटिका सीताकुंड में, और यहाँ पे काफी भीड़ है आज देख रहे हैं हम। तो काफी भीड़ भी दिख रहा है सीताकुंड में आज, पर हम लोग चलते हैं उस जगह पे जहाँ पर बजरंगबली का जो है प्रतिमा बना है। तो दोस्तों यहाँ काफी मंदिरें हैं सीताकुंड में, जहाँ तक अब तक हम नहीं ले गए हैं, और आज हम जहाँ तक आपको सीताकुंड में दर्शन करवा सकें। लेकिन मेरा सबसे प्रथम आपको बजरंगबली का जो प्रतिमा बना है यहाँ पर उसका दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम ऊपर चल रहे हैं, और देख सकते हैं पहाड़ियों पर भी घर आपको देखने को मिल रहा है बना हुआ। आप देख सकते हैं ये मकान। तो दोस्तों हम लोग बजरंगबली का जो प्रतिमा बना है सीताकुंड में, हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। काफ़ी ऊंचाइयों चढ़ना पड़ा है, लेकिन हम ऊपर पहुंच गए। उससे मुझे एक और फ़ायदा मिला कि मैंने अभी तक जो जो अपडेट नहीं किया था सीताकुंड में, वो जानकारी आपको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी जो है प्रभु का जो बजरंगबली का प्रतिमा जो है बना हुआ
बन तो गया है बट अभी पूरा फिनिशिंग नहीं है। यहाँ पर एक मंदिर है, हम सीताकुंड पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और आज हम आपको प्रभु का दर्शन ही करवाने आए थे, बजरंगबली का दर्शन, जो प्रतिमा बना है उन्हीं का दर्शन आज मैं आपको करवाने आया हूँ। बेशक बाईपास पुल से जो है बजरंगबली का जो ये प्रतिमा है बहुत आसानी से दिख जाता है, और मुझे उसी से ज्ञात हुआ था कि यहाँ पर प्रभु का विशाल मूर्ति बना है, प्रतिमा बना है। तो आप सीताकुंड में सबसे ऊपर में जो बजरंगबली का मंदिर देखते हैं उसी जगह पे हम आ गए हैं। तो हम यहाँ बाबा से जानेंगे कि बाबा इस जगह पे रहते हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि यहाँ का क्या राज्य है, क्या रहस्य है। तो हमारे साथ बाबा हैं। अब यहाँ के बारे में जो सीताकुंड के मंदिर जो है, उनके ऊपर जो बजरंगबली का मंदिर है पहाड़ पर, उन्हीं पे हम बैठे हैं और बाबा यहाँ के बारे में जानकारी देंगे। ये मेरा नाम, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम मुकेश पांडे उर्फ पहाड़ी बाबा यहाँ हो गया, और मैं सीताकुंड का निवासी हूँ। और ये जिस पहाड़ पे अभी ये दक्षिणेश्वर हनुमान जी बैठे हुए हैं, और यहाँ पे इस पहाड़ का नाम हुआ नागकुट पर्वत जी। और यहाँ पे आदिकाल से ये विराजमान है, यहाँ पे आदिकाल से जब जिस समय माता सीता रामचंद्र भगवान इस रास्ते से गुजर रहे थे, तो ये उसी के समय में अपना इस नागकुट पर्वत पे आकर के विराजमान हो गया यहाँ पे। और विराजमान हो जाने के कारण कि यहाँ पे जो भी भक्त लोग आते हैं उनका हरेक मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे जिस स्थिति में वो आए, यहाँ पे उनका हरेक कष्ट को ये संकट मोचन दूर करते हैं। और मैं इनका सेवक हूँ जी। हाँ, बाकी ये आकर के यहाँ पे विराजमान है दक्षिणेश्वर हनुमान जी, नागकुट पर्वत, ये पर्वत का नाम हुआ नागकुट पर्वत। इसी नागकुट पर्वत पे माता वैष्णो देवी का निर्माण कार्य चल रहा है अभी, और विराजमान हो जाने के कारण ये अपना यहाँ पे बैठे हैं। और जो भी कष्ट, जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे, उनका कष्ट को ये दूर करते हैं, जो भी मनोकामना आता है वो उनका पूर्ण होता है यहाँ पे, कोई भी यहाँ से खाली हाथ जाता नहीं है। बहुत प्राचीन, बहुत पुराना मंदिर जी, 1894 ईस्वी का ये निर्मित है यहाँ पे, ये विराजमान है यहाँ पे। ये भी निर्माणकर्ता जो हैं उपटी के रहने वाले हैं, पंडित दाढ़ी वाले जो हैं उनका ही हैं। तो वो उनका भी वंश में कोई नहीं था, वंश में नहीं रहने के कारण जो वहाँ पे कुछ श्रद्धालु लोग आए, महात्मा लोग, तो उनको बोले कि बाबा जाओ आप पहाड़ पे, वहाँ पे जाके उनका सेवा करो। तो सेवा उन्होंने आके यहाँ किया, आज उनका घर में एक से एक ऐसा परिपूर्ण भरा हुआ है। हाँ, तो इनका शक्ति जो है एक अपरंपार है, किसी तरह से कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनका कष्ट को दूर हो जाता है यहाँ से। अच्छी बात। तो आप कब से सेवा कर रहे हैं? मैं यहाँ से 2 साल हो गया हमें, 2 साल। यहाँ पहले बाबा थे यहाँ पे, बाबा को असामाजिक तत्वों ने उन्हें परेशान शुरू कर दिया, शुरू कर देने के कारण कि बाबा यहाँ से छोड़ करके भाग गए। अच्छा। और भाग जाने के कारण ये मंदिर, बाबा इनका सेवा पानी 2-3 साल बंद हो गया जी। तो अचानक मुझे यहाँ पे आवाहन हुआ। अच्छा। मैं यहाँ खुद अपने आया हूँ इनका आवाहन के कारण, इन्होंने बोल के रहने वाले हैं। मैं यहाँ सीताकुंड का निवासी हूँ। अच्छा। और इनका आवाहन हुआ तो ये मैं यहाँ इनका सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ 24 आवर्स।
आपको सपना उपना में मतलब बजरंग हाँ, हाँ, ये बचपन इनके सामने गुजरा मेरा और जवानी भी इनके सामने गुजरा है, अभी जा रहे हैं, अभी इनके सामने ही हैं बैठे हुए। तो बाकी जो देखने वाले ये हैं, करने वाले ये हैं, सारा ये है, मैं इनका सेवक हूँ, जो भी ये आदेश देते हैं मैं उनका पालन करता हूँ। चलिए अच्छा लगा। नाम क्या बताएं आपने? मेरा नाम मुकेश पांडे उर्फ पहाड़ी बाबा हुआ। मुकेश पांडे उर्फ पहाड़ी बाबा, यहाँ पे हमेशा आपको मिलेंगे और अच्छा जानकारी हमें भी दिए। अभी तक बहुत लोग को जानकारी इसके मंदिर के बारे में है, गया टाउन में भी जितने भी श्रद्धालु लोग जो रहते हैं उनको जानकारी अभी भी पूर्ण नहीं है। ये नागपुर पर्वत पे दक्षिणेश्वर हनुमान जी विराजमान है। यहाँ पे जो भी आते हैं भूलचुक में आ जाते हैं यहाँ पर कि बाबा का एक मंदिर है वहाँ पर ही, चले पहाड़ पे जरा देखते हैं क्या है। तो नीचे से भी ये बहुत दूर से ही नजर आता है, नजर आने के कारण यहाँ पे श्रद्धालु लोग आ जाते हैं, आते हैं तो अपना मत्था टेकते हैं, जो भी मांगना होता मांगते हैं और अपने को चले जाते हैं। हम भी आज गया के रहने वाले हैं, लेकिन आज पहला बार इस जगह पर हम बाबा आए हैं। और खास बताएं तो बजरंगबली का जो प्रतिमा बना है ना, उनको देखते देखते हम यहाँ पे पहुँच गए, फिर सोचे कि यहाँ पर भी दर्शन करते निकल जाए। तो आज आने से हमें एक फायदा मिला, यहाँ का जानकारी मिला और आप लोग को भी जानकारी अच्छे से दिए दे रहे हैं बाबा कि यहाँ पर आप आइए और अपना मनोकामना जो है, जो आपको इच्छा है, यहाँ पर प्रभु से मांगिए और आपको पूर्ण करेंगे। अच्छी बात, अच्छा जानकारी मिला है आज। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी बजरंगबली क्या हमारे हिंदू धर्म और गया में जो भी हैं सब यहाँ पे आए, और सीताकुंड आते हैं तो आपको यहाँ आना चाहिए, एक बार अवश्य पधारे यहाँ पे नागपुर पर्वत पे। सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि एक बार इस नागपुर पर्वत पे अवश्य पधारे और बाबा का आशीर्वाद लेकर के जाए। जो भी आपके मन में कामना है वो आए, पूरा पूरा होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। बाबा का आशीर्वाद है सभी के ऊपर में। ये निर्माण करता है सोनूलाल मेहरवाल। तो दोस्तों आज मैं आपको सीताकुंड लाया और आपको बजरंगबली का प्रतिमा दिखाया, बहुत खूबसूरत प्रतिमा है। आप आइए जरूर और दर्शन जरूर कीजिए। और आपको एक चीज और जानकारी दिया, जो कि बजरंगबली का एक मंदिर है जो सबसे चोटी पर दिखता है सीताकुंड पहाड़ पर, आप वहाँ भी जाइए और बजरंगबली का दर्शन कीजिए। और एक तो अच्छा जानकारी अगर मिला हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।